मित्रों, कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज आपसे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे योगी सरकार के एक बहुत बड़े फैसले की, जो कि पूरी दुनिया में एक नज़ीर बन सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार की, जिसने कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने घुटने टेकते हुए इस स्पेशल ग्रांट्स की मांग की है। क्या ये स्पेशल ग्रांट्स हैं और इस पर क्या कह रहे हैं लोग, इसके बारे में बताएंगे आपको मित्रों। इसके अलावा हम बात करेंगे कर्नाटक की, एक और खबर वहां से आ रही है जहां पर गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। क्या ये पूरा मामला है? हालांकि इस पर लोग बड़ी काफी तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय अपने आप में है। और मित्रों, एक और विषय है, वो ये है कि जो केजरीवाल का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो किस तरह से विवादों में आ गया है, उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ और विशेष खबरों की। लेकिन मित्रों, अपनी शुरुआत करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार से। और वो समाचार क्या है मित्रों? चंद्रयान, जानते हैं आप, चंद्रयान अपनी जगह पे सफल हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि चंद्रयान का रॉकेट बनाने वाले नंबी नारायण को मत भूलना। चंद्रयान 3 अपनी जगह तो पहुंच गया, पूरा भारतवर्ष खुशियां मना रहा है, लेकिन इस महान उपलब्धि के पीछे हमें अपने वैज्ञानिक नंबी नारायण को ना भूलें, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तमाम प्रतिरोधों के बावजूद विकास इंजन, क्रायोजेनिक इंजन को विकसित किया था, जिसका उपयोग अब चंद्रयान 3 में किया गया है। देशद्रोहियों ने षड्यंत्र रचकर एक होनहार वैज्ञानिक को न केवल अपमानित किया था, बल्कि करियर को इनके बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण भारत का स्पेस मिशन 20 साल पीछे चला गया। आज चंद्रयान तृतीय की इस महान उपलब्धि में इनके अमूल्य योगदान का वही महत्व है जो किसी बड़े भवन निर्माण में की नींव में आधारशिला का होता है। अब इस सफलता के क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। उधर क्या, हर तरफ लोग लालायित हैं, अच्छा है, लेकिन अगर क्रेडिट लेना है तो फिर अच्छी बुरी सब चीज़ों का क्रेडिट लेना चाहिए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि विदेशों से पैसा लेकर नंबी नारायण जैसे वैज्ञानिकों को किसने गिरफ्तार करवा दिया था, अपमानित किया था, ताकि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी दशकों पीछे चली जाए। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 के लिए फंडिंग क्यों और किसने बंद की थी? पश्चिम के चुनिंदा देशों और चीन के डर से मिशन शक्ति यानी कि एंटी सैटेलाइट को मंजूरी क्यों नहीं दी गई थी, जिसका परीक्षण मार्च 2019 में जाकर पूरा हुआ? सैकड़ों होनहार वैज्ञानिकों का करियर या तो खत्म कर दिया गया, या वो गुमनामी में खो गए या मर गए, जिनमें होमी भाभा भी शामिल हैं। उनकी अज्ञात कारणों से मृत्यु या हत्या हुई, उसके पीछे कौन था, ये आज तक सामने नहीं आया है। और मित्रों, ये जो समाचार है ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। दैनिक भास्कर के दिल्ली एडिशन में ये समाचार छपा है, और जिसका जो हेडलाइन है वो क्या है कि अब यूपी में हिंदू पंचांग के सारे अपराध रोकेगी पुलिस। तो ये क्या पूरा मामला है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस अब हिंदू पंचांग के सारे सूबे में अपराध रोकेगी। इसके लिए बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया गया है और पंचांग आधारित योजना बनाने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP विजय कुमार ने हिंदू पंचांग के अनुसार पुलिसिंग का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि अमावस्या की रात ज्यादा लंबी और अंधेरी और लंबी होती है, इसीलिए अपराधी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। पुलिस को इस आधार पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करनी होगी कि अमावस्या को देखकर ज्यादा पुलिसिंग बढ़ानी होगी। DGP ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि पंचांग के आधार पर हॉटस्पॉट चिन्हित करें, यह वैज्ञानिक तरीका है। प्रदेश के सभी मंडलों में होने वाले अपराधों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद यह पता चला कि हिंदू पंचांग की अमावस्या तिथि से एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद में रात को ज्यादा अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हर महीने इस डेटा का विश्लेषण करेंगे। DGP ने अमावस्या से एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद रात में होने वाले अपराध को रोकने के लिए CCTNS और डायल 112 को सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ऐसे समय में रात में अतिरिक्त पेट्रोलिंग वाहन लगाए जाने के निर्देश दिए गए। यानी मित्रों, अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फैसला है। और अगर ये फैसला ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में लागू हो सकता है, हिंदू पंचांग के हिसाब से ये फैसला जो है पूरी दुनिया के काम आ सकता है। पूरी दुनिया में जहाँ भी पुलिस काम करती है, जहाँ पुलिस वर्कफोर्स है, वहाँ पे वो इन नियमों को पालन करके जो है अपना काम बना सकती है और अपराध पर नियंत्रण ला सकती है। तो बहुत अच्छा फैसला है। इसके लिए हम योगी सरकार की और जो कार्यवाहक DGP हैं उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं। और मित्रों, अब जरा हेडलाइंस पढ़िए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस है, एमिड स्ट्रेंड फिजिकल पोजिशन कर्नाटका CM सिद्धारमैया राइट्स टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सीकिंग स्पेशल ग्रांट्स। यानी कि जो सिद्धारमैया हैं
उन्होंने स्पेशल ग्रांट्स मांगी है, वो विशेष अनुदान मांग रहे हैं, वो केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि उनको पैसा दिया जाए ताकि वो जो है अपना वहाँ पे कामकाज चला सकें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादे जो कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उन वादों को अब वो पूरा नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि अब वो ये कह रही है कि उसको मदद चाहिए, मदद कहाँ से चाहिए, वो मदद मांग रही है केंद्र सरकार से। यानी कि जो बड़े बड़े लोक भवन वादे किए गए थे, जो गारंटियाँ की गई थी, उनका उनको पूरा कर पाने में पूरी तरह से असफल साबित होने के बाद अब जो है वो मोदी सरकार के शरण में, यानी कि मोदी शरणम गच्छामी हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि इन्होंने जिस तरह की मुफ्त की गारंटियां दी थी उसका कोई कहने का मतलब नहीं था, वो सब बिना कोई योजना की थी। अब देखिए एक खबर क्या है, क्या दिखने लगा मुफ्त की गारंटियों का असर, कर्नाटक सरकार ने केंद्र से मांगे 11,000 करोड़। देखिए क्या है मामला, जरा देख लेते हैं। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज करते हुए सरकार तो बना ली है, लेकिन अब लग रहा है कि मुफ्त के चुनावी वादों की लहर पर सवार होकर कर्नाटक की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार धन की भारी कमी का सामना कर रही है, जिसके चलते राज्य के सीएम सिद्धारमैया को कर्नाटक के लिए विशेष अनुदान की मांग करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखना पड़ा है। 5 चुनावी गारंटियों को लागू करने और नियमित विकास परियोजनाओं को शुरू करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 11,000 करोड़ के विशेष फंड और राज्य विशिष्ट धन की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री सीतारमण को लिखे अपने पत्र में सिद्धारमैया ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 के लिए अपनी निर्णायक रिपोर्ट में कर्नाटक को 6,000 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए कहा था। यानी आप देखिए मित्रों की बिल्कुल क्लियर बात है कि अब ये सारा ठीकरा जो वादे नहीं पूरे हो पाने का है वो केंद्र सरकार पर फोड़ने के लिए इस तरह की भूमिका बना रहे हैं, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। और मित्रों कर्नाटक की खबर काफी चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक के अंदर एक महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो कर्नाटक के शिमोगा के रणगांव में 20 अगस्त की रात को असामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना को बाइक सवार 2 युवकों ने अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है मित्रों की जो गांधी की मूर्ति जो कि आज तोड़ी गई है या कल जब भी तोड़ी गई थी कर्नाटक के अंदर, बड़ी बात यह है कि गांधी की जो कोई गांधीवाद बचा नहीं देश के अंदर। गांधी की जो मूर्ति या गांधी की जो छवि, जो गांधी की जो प्रतिमा बनाई हुई थी कांग्रेस पार्टी ने, वो सारी प्रतिमा आज धराशायी हो चुकी है। गांधी को लोग आज इस तरह से याद करते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो आखिर जो भारत में पूरी शांति के लिए सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों नहीं रहने दिया गया, अगर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाने में महात्मा गांधी ने अड़ंगा क्यों डाला, इसको लेकर आज लोग गांधी सवाल करते हैं, बल्कि कोई भी गांधी के पक्ष में नजर नहीं आता है। मित्रों इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है, और बयान ये दिया है कि अमीरों को पसंद आ रहा है मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था। तो अब ये तो बयान दे रहे हैं केजरीवाल, जो बयान देते रहते हैं, लेकिन असलियत क्या है मित्रों? पांचजन्य ने जो है कुछ ऐसे वॉक थ्रू किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन जरा 40 लाख रुपए की लागत से बनकर मोहल्ला क्लिनिक जो तैयार होता है वो फटेहाल है और शौचालय में तब्दील हो चुका है, कबाड़े में तब्दील हो चुका है। और दिल्ली की जनता भी ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक देख ले, लाखों रुपए की दवाई पड़ी है, इनके वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर कहाँ पे हैं? आप डॉक्टर देखिए, कहाँ है डॉक्टर? ऐसे बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री ने दिल्ली का बेड़ा गरक कर रख दिया है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को विज्ञापन के माध्यम से वर्ल्ड क्लास दिखाने के बाद ग्राउंड पे क्या है, पैसे की बर्बादी की जा रही है। क्या इसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी आप चाहते हो कि आपको पावर दे दी जाए, ज्यादा से ज्यादा ये मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में यहाँ बलात्कार हो? आप देखिए ये जो कोंडम पड़े हैं कहाँ से आए हैं? कुछ तो हुआ है ना, कोई तो कांड हुआ है ना। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।